हेलो एंड वेलकम गाइस, यार वेलकम बैक टू माय दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ RC 25 के V4+ जो कि अपडेट आया है ने वाला है, उसमें क्या कुछ फीचर देखने को मिलने वाले, साथ ही रिलीज डेट क्या होने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना मत भूलना। तो जैसा कि आप लोगों को पता है यार कि RC 25 का V4 का अपडेट आ चुका है और आप लोगों ने गेम प्ले खेल भी लिया होगा और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन अपडेट आया है जिसमें हमें न्यू शॉट्स और न्यू टूर्नामेंट्स एंड बहुत सी चीज़ देखने को मिलती है। लेकिन इसके सबसे बेस्ट जो मुझे बात लगी, इसमें दो न्यू टूर्नामेंट जो कि आपको एक इंटरनेशनल T20 लीग और सेकंड आप लोगों को ऐसे टूर्नामेंट जो कि न्यू टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इस गेम में आप सभी को पता है कि V4 अपडेट में बग बहुत से हैं। तो अब देखो यार, जो कि न्यू अपडेट होने वाला है तो उस न्यू अपडेट में V4+ में आप लोगों ने 90% अपडेट यही देखा है कि कुछ जर्सी चेंजेस हुई हैं जब भी प्लस का अपडेट आया है, साथ में आप लोगों को थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिले हैं। बग फिक्स ही उस अपडेट में सब ज़्यादा हुआ है। तो ये जो अपडेट होने वाला है V4+ का, जिसमें आप लोगों को लग रहा है कि बग फिक्स होगा, तो जी हाँ बग फिक्स तो होगा ही, लेकिन बग फिक्स के अलावा भी ये अपडेट बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि भाई ने इस अपडेट में कुछ चीज़ें रिवील कर दी है कि अपडेट में आने वाली है। तो सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिल जाता है न्यू स्टेडियम जो कि सब्जेक्ट में आने वाला है। स्टेडियम का आप लोग लुक भी देख सकते हो, काफ़ी कमाल का लग रहा है, बहुत ही कम बेहतरीन ये स्टेडियम होने वाला है। उसके अलावा आप लोगों को सेकंड चीज़ इसमें देखने को मिल जाती है जो कि होने वाली है आप लोगों को न्यू कैमरा एंगल। तो ये कैमरा एंगल की भी आप लोग देख सकते हो जो कि काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, जो आपकी आप लोगों को एक कीपर साइड की तरफ से कैमरा एंगल देखने को मिलता है, एक और भी ये कैमरा एंगल है। तो ये दो बेहतरीन चीज़ें इस अपडेट में हमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा और भी बहुत से अपडेट आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें भी होंगी। हो सकता है स्कोरबोर्ड चेंजेस हो जाए, बहुत सी चीज़ें आप लोगों को इस अपडेट में चेंजेस देखने को मिल जाएं। अब बात करते हैं इस अपडेट की, तो देखिए यार ये अपडेट कब तक हमें देखने को मिलने वाले, इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली। तो देखिए यार, भाई ने तो कहा था कि 3 से 4 दिन हो सकते हैं या वर्किंग में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि कैमरा एंगल सेट करना और बहुत ही न्यू स्टेडियम एड करना ये कोई आसान बात नहीं होती, बहुत ही बड़ा काम होने वाला है। तो हो सकता है कि ये अभी हमें अपडेट अगर भाई तैयार कर लिए हैं अपडेट पहले ही, तो हमें देखने को मिल सकता है इसी मंथ में। अगर नहीं होता है तो आप लोगों को टाइम जरूर लग सकता है, 1 से 2 मंथ का। अगर ये सभी चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं तो इस सभी चीज़ों को ऐड करने में 1 से 2 मंथ आप लोगों को टाइम लग जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन अपडेट होने वाला है। तो रिलीज डेट तो कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन आप लोगों को हो सकता है कि अगर सब कुछ रेडी है तो जल्दी देखने को मिल सकता है। अगर ये सभी चीज़ें ऐड नहीं हुई हैं अभी तक, तो आप लोगों को फिर 1 से 2 मंथ का वेट करना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी यार इस वीडियो में। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।